दिस इज पैरोल योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज का सेशन बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस लेवल का आपका इनपुट आउटपुट। जैसे मेंस लेवल में आपका इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही लेवल का आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। टू आर क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या करना होता है आपको, एक बार बेसिक जो होता है थोड़ा सा वो बता देती हूँ। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस में आपको इस तरह से एक इनपुट मिलता है। इनपुट के बाद में, इनपुट के साथ में आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में आपको क्या करना होता है, जो भी उसका लॉजिक होता है, उस वो जो इनपुट है, ठीक है, उसके बेसिस पर आपको जो स्टेप्स दिए जाते हैं, जो स्टेप्स फॉलो होते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप होता है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से वो डिपेंड करता है। हो सकता है कि किसी इनपुट के लिए आपको 5 स्टेप्स दिए गए हों, किसी के लिए 6, किसी के लिए 8, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी स्टेप्स दिए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जितने भी स्टेप्स गिवन होते हैं, हर एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है कि क्या चीज़, क्या लॉजिक वहाँ पर लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को देखते हैं पहले। इनपुट के बेसिस पर, इनपुट को देखते हुए हमने चेंजेस देखने हैं कि स्टेप वन में क्या चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद में इनपुट को भूल जाओ, उसके बाद में जो स्टेप वन दिया हुआ है, स्टेप वन आपका आया है, उस स्टेप वन से स्टेप टू को देखना है कि क्या चेंजेस किए गए हैं। फिर स्टेप टू से आपको स्टेप थ्री तक जाना है कि क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या ऑपरेशंस लगे हैं, प्लस माइनस, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का लगा है नंबर्स के केस में, या फिर कोई स्क्वायर्स को ऐड किया गया है, या फिर स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो इस तरीके से कितने भी, कुछ भी लग सकता है, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, क्यूब्स का भी कुछ हो सकता है। तो आपको अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखना होता है जब भी आपको इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन करना होता है। और पहले क्या होता है, आपको इनपुट दिया होता है, इनपुट के बेसिस पर ये कुछ स्टेप्स दिए होते हैं जिसमें आपको देखना होता है कि क्या क्या लॉजिक लगा हुआ है। इसके साथ में वो आपको एक और इनपुट देता है, वो जो इनपुट देता है उस इनपुट के बेसिस पर आपको उसके स्टेप्स निकालने होते हैं। कैसे, ये जो स्टेप्स में जो जो ऑपरेशंस लगे हैं ना, जैसे इस इनपुट के फर्स्ट स्टेप में जो भी ऑपरेशन लगा है, ये जो आपको गिवन इनपुट होगा उसमें भी वही, उसके स्टेप वन में भी वही ऑपरेशन लगेगा जो इसके स्टेप वन में लगा है। सिमिलरली इसके स्टेप टू में, जैसे आपने स्टेप वन से स्टेप टू तक आप पहुँचे हैं, तो आपको जो भी ऑपरेशंस लगे हैं, जो भी लॉजिक उसके पीछे का है, सिमिलरली जो आपको गिवन इनपुट होगा उसमें जब आप स्टेप टू बनाएंगे, तो आपको स्टेप वन से देखकर वही सेम ऑपरेशन या वही सेम लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कई बार। सो चलिए आज क्या करते हैं, ये जो हमें इनपुट गिवन है, उसके ये जो 6 स्टेप्स गिवन है, 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, इनका हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक ढूंढने वाले हैं। सो इनपुट में सबसे पहले देखो कितने एलिमेंट्स, कितने नंबर्स, नंबर्स वाला है ना सारा इनपुट आउटपुट जो दिया है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स आपको दिए हैं इनपुट में, ठीक है। स्टेप वन में क्या दिया गया है आपको, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 6 नंबर्स हैं। और अब ये देखो इनपुट में, अब किस तरीके से, देखो मैं आपको ना बिल्कुल जैसे एक स्टूडेंट सोच सकता है एक क्वेश्चन को करते हुए, बिल्कुल उस अप्रोच के थ्रू समझाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से, कि एक हर एक स्टूडेंट जो है वो क्या सोच सकता है एक क्वेश्चन को करते हुए, और आपको किस तरीके से दिमाग लगाना है, किस तरीके से सोचना है, कि आपको जो एक्चुअली स्टेप वन, स्टेप टू, जितने भी स्टेप्स दिए हुए हैं वो कैसे आए हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हर एक जो नंबर है इसमें देखो कितने टोटल डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सभी में देखो 5 डिजिट्स हैं। स्टेप वन में देखो जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, उनके डिजिट्स कितने हैं, सभी के 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। पहले ये समझे, सेम ही है डिजिट्स। तो अब देखो, अब किस तरीके से देख सकते हैं, एक देखो यहाँ पर आपको मिला सबसे पहले 1, 5 मिला, 8 मिला, 9 मिला, 2 मिला, 7 मिला। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कंफर्म होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो दिया नहीं गया है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ है नहीं, क्योंकि 1 के बाद में देखो 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, ऐसा तो कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग वाला तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब देखो इनपुट में सबसे फर्स्ट नंबर है ये, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सेकेंड नंबर में यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 है,
इसका भी फर्स्ट डिजिट 5 है, इसका 8 है, इसका भी 8 है, 9 है, 9 है, 2 है, 2 है, 7 है, 7 है। तो यहाँ से कुछ समझ में आया? यहाँ से अब आपको ये समझना है कि शायद इसी नंबर्स में क्या हुआ, इसी नंबर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर देखो 1 मिला, यहाँ पर 1 मिला। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इस तरह से आपको देखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर में भी आपने देखा 1155 मिला, 5533, 8877, 9911, 22212, 7744। तो यहाँ से क्या चीज़ कंफर्म हुई कि जो चेंजेस हैं वो कैसे किए गए हैं, इसी नंबर में, यानी कि फर्स्ट नंबर में कुछ चेंज किया गया है फिर ये आया, सेकंड नंबर में कुछ चेंज किया गया फिर ये आया, थर्ड नंबर में कुछ चेंज किया गया फिर ये आया। तो अब यहाँ से और क्या चीज़ हमको समझ में आई है कि ये देखो, ये फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड नंबर है यहाँ पर 4, यहाँ पर आया 6, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, हमने देखा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट जो है इस नंबर का वो है 1, 1। उसके बाद सेकंड डिजिट है यहाँ पर 4, यहाँ पर है 6, ठीक है। थर्ड जो डिजिट है यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यानी कि फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट और 6 की जगह पर यहाँ पर 4 दिख रहा है और 5 की जगह पर 5। तो क्या समझ में आया, हमने जब फर्स्ट नंबर को ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट और जो लास्ट फिफ्थ डिजिट है वो क्या है, वो तो है एज इट इज़ सेम है, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ डिजिट है एज इट इज़। अब देखो, अब जो बचता है वो बचता है 4 की जगह पर आया हुआ है 6, 6 की जगह पर 4। तो क्या चीज़ समझ में आई, सेकंड और फोर्थ जो डिजिट्स है उनको क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। फिर भी अगर डाउट होता है, नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया गया है, ठीक है, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसमें ये भी सोच ले, कोई स्टूडेंट इसमें हो सकता है ये भी सोच ले कि यहाँ पर 4 की जगह पर 6 आया तो क्या किया गया, प्लस 2 किया गया, 6 की जगह पर 4 आया तो माइनस 2 किया गया। तो हमको क्या देखना है, देखो जो ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा ना वो सब जगह पर लगेगा, सेकंड नंबर पर, थर्ड, फोर्थ, ये पूरे इनपुट पे एक ही ऑपरेशन लगेगा और तब स्टेप 1 बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को भी हमेशा याद रखना है। तो अब इस तरीके से अगर हम देखें तो हम लोग क्या करते हैं, अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर्स को चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर 5, 5 एज इट इज़, थर्ड नंबर 2, 2 एज इट इज़, थर्ड नंबर और लास्ट जो डिजिट है वो भी एज इट इज़, 5, 2, 3, 5, 2, 3 इनपुट में और स्टेप 1 में सेम है। तो अब यहाँ पर था 9, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर था 4, यहाँ पर आ गया 9। देखो यहाँ पर इस तरह से था, 9 था, 4 था, यहाँ वाले तो जो थे वो सिमिलर थे। अब यहाँ पर देखो क्या मिला तुमको, ये वाले, ये तीन तो सिमिलर है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ डिजिट सिमिलर हैं, यहाँ पर मिला आपको 4, यहाँ पर मिला 9। तो अब तो क्लियरली समझ में आ गया कि क्या है, प्लस 2 माइनस 2 तो है ही नहीं, क्या है, इंटरचेंज किया गया है। तो हमें फर्स्ट स्टेप का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया है, फर्स्ट स्टेप का जो लॉजिक है वो हमें क्लियरली समझ में आ गया है। फिर भी अगर आप कन्फर्म करना चाहते हैं, हमने क्या देखा है, देखो दो नंबर्स को चेक किया है, फर्स्ट को, सेकेंड को, आप चाहो तो थर्ड नंबर को, फोर्थ नंबर को, हर एक नंबर को बहुत आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये मिला है आपको 8, 1, 1, 3, 7, तो उसके हिसाब से अब हम लोग क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं, ठीक है। तो 8 यहाँ पर इंटरचेंज होगा 1, यहाँ पर इंटरचेंज होगा 7, ये एज इट इज़ रहेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1। देखो क्या तुम्हें ये मिला 8, 3, 1, 1, 7, 8, 3 ये 1 ही है, 8, 3, 1, 1, 7 यही मिला है, 8, 3, 1, 1, 7। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, 9, 5, 2, 8, 1। मैं बहुत ही आसान सरल तरीके से समझा रही हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए, ठीक है। मे भी थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर हो सकता है क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं ये चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को, इवन जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपेयर करना, उसको भी ये चीज़, क्योंकि क्या है, इनपुट आउटपुट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हो ही नहीं सकता, इतना कितना भी दिमाग लगा लो समझ में नहीं आएगा, इसको एक हवा समझते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो ऐसा ना हो इसीलिए थोड़ा टाइम ले रही हूँ और आसान तरीके से, आराम आराम से लेकर चल रही हूँ। तो अब यहाँ पर ये था, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड और फोर्थ डिजिट को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है।
तो 8 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, बाकी सब एज इट इज आएगा। तो 9, 8, 2, 5, 1 आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 और 8 को ही तो रिप्लेस करना था, इंटरचेंज करना था। 9, 2, 1 तो एज इट इज रहेगा, तो देखो क्या बना है, 9, 8, 2, 5, 1 यही तो है 9, 8, 2, 5, 1। अब इसी तरह से ये भी होगा, ये भी होगा, आगे नहीं चेक करते, यही है, क्योंकि 4 नंबर्स में तो हम ऑलरेडी ये चेक कर चुके हैं। तो स्टेप 1 का हमें क्या पता चला, हम लोग क्या करते हैं इसे नोट कर लेते हैं। स्टेप वन का क्या है लॉजिक, इनपुट से जब हम स्टेप 1 तक गए हैं तो सेकंड और फोर्थ डिजिट को इंटरचेंज किया गया है, ठीक है, ये था। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, स्टेप 1 से हमें कहां पर जाना है, स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 1 से हमें कहां पर जाना है, स्टेप 2 में जाना है। तो जब हम स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाएंगे तो देखो, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने पहले बोला था, वहाँ पर हमने चेक किया 1, 1 चेक किया, ठीक है, यहाँ पर 5, 5 चेक किया, तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो कुछ मिला नहीं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में देखो, हमें मिला यहाँ पर 9, 9, 8, 7, 6 एंड 4, ठीक है, ये मिला। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर मिला 9, 9। स्टेप 1 में देखो, 9 वाला नंबर तो हमें सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, एक ही दिखाई दे रहा है ना, ये एक और 9 वाला तो हमें, यानी कि 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर वो तो नहीं दिख रहा, एक ही नंबर दिख रहा है। तो ये एक और नंबर है 9 से स्टार्ट होता हुआ, 8 से स्टार्ट होने वाला हमें एक नंबर दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। 7 से स्टार्ट होने वाला हमें एक नंबर दिख रहा है, ठीक है। 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है ऊपर स्टेप 1 में, नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है, 5 से, 8 से, 9 से, 2 से, 7 से, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है, 4 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नंबर नहीं है। यानी कि क्या किया गया है, कुछ तो चेंजेस, कुछ तो गड़बड़ की गई है ना, यानी कि, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि हमें तो फर्स्ट डिजिट ही सबका सेम मिल गया था, ठीक है, तो हमने वहां से आइडिया लगाया था। अब स्टेप 2 में हमने देखा कि एक नई चीज आई है, क्या नई चीज आई है, हमारे पास स्टेप 1 में 9 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर एक था, यहां पर मिले हमें दो, एक ये मिला, एक ये मिला, एक नया नंबर मिला जो कि 6 से स्टार्ट होता है, एक नया नंबर मिला जो कि 4 से स्टार्ट होता है, जो कि स्टेप 1 में नहीं था। यानी कि इन्हीं नंबर्स में कुछ हेर फेर किया गया है, जो स्टेप 1 के नंबर्स हैं उसमें क्या किया गया है, कुछ हेर फेर किया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, उसी हेर फेर को ढूंढते हैं, किस तरह से देखेंगे, अब वो देखते हैं। हमें नए नंबर्स तो मिले हैं, नो डाउट, नए नंबर्स नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग किसी और से हो रही है। अब थोड़ा और ध्यान से ऑब्जर्व करो, अभी तक हमने ये ऑब्जर्व किया, 9 मिला, 9 मिला, 8 मिला, 7 मिला, अब एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, ये 9, 8, 5, 2, 1 ये है, 9, 5, 4, 3, 2 है, 8, 7, 3, 1, 7, 5, 4, 3, 1, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, 9, 8, 5, 2, 1 क्या है, ये जो एक पूरा का पूरा नंबर है, ठीक है, 9, 8, 5, 2, 1 जो नंबर है, इसमें पहले आया 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, यानी कि विद इन नंबर्स हमें क्या मिला, डिक्रीजिंग ऑर्डर मिला सबसे पहले, तो विद इन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर मिला है हमें, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, हो सकता है एक में ऐसा हो। नेक्स्ट देखो, 9, 5, 4, 3, 2, 9 उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, 3 एंड 2। सिमिलरली इसको उठा लेते हैं, सबसे पहले आया 6, उससे छोटा 5, फिर 4, 3, 1, 4, फिर उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, 2 होंगे, मतलब यानी कि टू नंबर जो है वो दो बार होगा किसी नंबर में, तो इसीलिए साथ में आ गए, फिर 1, यानी कि विद इन नंबर्स जो चेंजेस किए गए हैं वो तो समझ में आ गए, क्या किए गए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। विद इन नंबर्स क्या किया गया है, जो डिजिट्स हैं उनको किस हिसाब से किया गया है, नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया है, विद इन नंबर हर एक नंबर के बीच में डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया गया है, ठीक है। अब बचता ये है कि यहाँ पर 9 है, यानी कि पहले ये आया, फिर यहाँ पर 9, फिर 8, फिर 7, 6 और 4, यानी कि विद इन नंबर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया ही लगाया गया है, और साथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया गया है कहाँ पर, जो पूरे होल नंबर्स, यानी कि पूरे के पूरे जो नंबर्स दिए गए हैं, पूरे के पूरे जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें भी क्या किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लगाया गया है। इस चीज को देखो ध्यान से समझना है,
क्या किया गया है, देखो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, तो क्या किया गया है, दो नंबर्स ले लेती हूँ यहाँ पर, ये दो नंबर्स हैं, क्या किया गया है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इस एक नंबर को जब हम इसी के अंदर, इसके अंदर जो ये नंबर है ना, पांच डिजिट्स दिए गए हैं 7, 1, 8, 6, 4, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, पहले आएगा 8, फिर आएगा 7, 6, 4 एंड 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा 5, 4, 2, 1 एंड 0, ये बनेगा, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये जो नंबर, ये तो हमने क्या किया, एक नंबर के बीच में जो चेंज करके आना था वो बना दिया, पर अब हमने देखा कि 8, 7, 6, 4, 1 और 5, 4, 2, 1, 0 में से बड़ा कौन था, 8, 7, 6, 4, 1 था ना, तो पहले इसको बनाएंगे फिर बाद में इसको बनाएंगे। आई होप कि अब सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको ये अभी समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखो यहाँ पर विद इन नंबर तो हमने देख लिया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर किया गया था, प्लस क्या किया गया था, जो पूरा एक नंबर बनता है इन सभी डिजिट्स को मिलाकर, पांच डिजिट्स को मिलाकर ये जो पूरा एक नंबर बनता था उनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। तो ऐसा होगा ना, देखो अब जैसे कि ये था, यहाँ पर इसको जब हम अरेंज करेंगे 1, 6, 3, 4, 5 को अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 6 बनेगा, 5 बनेगा, 4, 3, 1 हमें मिला ना, ये कहाँ पर मिला, यहाँ पर, क्योंकि इसका नंबर यहाँ पर आता था, उससे बड़े बाकी भी बनते थे। ये वाला था सबसे बड़ा 9, 8, 2, 5, 1, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आना था, देखो 9, 8, 5, 2, 1 यहाँ पर एज इट इज यही मिला ना, 9, 8, 5, 2, 1। उसके बाद में देखो इन्होंने किसको चेंज किया, इस नंबर में देखो 5, 4, 2, 9, 3, इसमें हमें 9 मिला, तो इसको चेंज करेंगे तो पहले आएगा 9, फिर उस 9 से छोटा कौन सा आएगा, 5, 4, 3, 2, तो ये हमें मिला, सबसे बड़ा यह था ये वाला नंबर, तो पहले आ गया ये, फिर उसके बाद में आ गया उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर हमें ये मिल गया, ठीक है। तो ये समझ में आया, विद इन नंबर और पूरे जितने स्टेप वन में जितने भी नंबर्स थे उनका भी हमने क्या देखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा। पहले किस में चेंज किया, विद इन नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज किया गया, फिर वो जो चेंज किया गया है ना उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर वो जो चेंज करने के बाद पूरे पूरे नंबर्स बनते थे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। तो आई होप कि स्टेप वन और स्टेप टू सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। सो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग स्टेप थ्री की तरफ। तो स्टेप थ्री में देखो क्या किया गया है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास स्टेप वन में इनपुट में थे 6 एलिमेंट्स, 6 नंबर्स, स्टेप वन में 6 नंबर्स, स्टेप टू में 6 नंबर्स हैं, ठीक है। अब स्टेप थ्री में आपको मिले हैं 3 नंबर्स, स्टेप थ्री में आपको मिल रहे हैं 3 नंबर्स, और इन्होंने साथ में क्या मेंशन किया है, ये लाइंस लगाई हुई है कि यानी कि किन दोनों को मिलाकर ये नंबर आया गया है, किन दोनों को मिलाकर ये नंबर और किन दोनों को मिलाकर ये नंबर आया गया है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो है, ये जो नंबर है, ये इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है 9, 8, 5, 2, 1, देखो यहाँ पर नोट कर लेते हैं 9, 8, 5, 2, 1 और 7, 5, 4, 7, 5, 4, 3, 1, इनके बीच में कुछ ऑपरेशंस लगे हैं या कुछ भी लगा है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 2, 3, 0, 9, 0 आना चाहिए, 2, 3, 0, 9, 0 ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या समझ में आया, पहले 1 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, 1 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये बड़ा नंबर है इसमें से ये छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट, अब देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, कई बार एग्जाम में यहाँ पर जो ऑपरेशन लगता है हो सकता है कोई और लगता हो, तो जो जितने पॉसिबल होते हैं ना वो सभी भी बताऊंगी। अभी हम लोग क्या देखते हैं, ये देखते ही जो समझ में आया, दिमाग में आया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया 0, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया 9 आएगा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया गया 0 आएगा, 8 में से 5 3, 9 में से 2 7, 9 में से 7 गए 2। तो यानी कि समझ में क्या आया कि ये वाला जो नंबर दिया गया था, ये बड़ा नंबर था, इसमें से इस नंबर को, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है और ये आया है। क्या करते हैं, अब कंफर्म करना तो ज़रूरी है, तो हमने उठाया ये वाला और चेक करना है इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है इसके साथ, नंबर है यहाँ पर 9, 5, 4, 3, 2, कॉम्बिनेशन दिया गया है 7,
फाइव फोर थ्री एंड वन, ठीक है, टू में से वन, वन थ्री थ्री ज़ीरो फोर फोर ज़ीरो फाइव फाइव ज़ीरो, नाइन में से सेवन गए टू। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, यहाँ पर देखो नहीं, यहाँ पर सिक्स है, सिक्स है ना, यहाँ पर सिक्स फाइव, यहाँ पर सेवन नहीं है, सिक्स है, तो नाइन में से सिक्स गया थ्री, तो मिल गया हमें क्या, थ्री ट्रिपल ज़ीरो वन, यही मिला थ्री ट्रिपल ज़ीरो वन। तो यानी कि अब क्या समझ में आया कि ये जिनका कॉम्बिनेशन दिया गया है ना, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया, इस बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया, इस बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा, चाहे तो चेक करके देख लेना, ठीक है। तो यानी कि स्टेप थर्ड में ये समझ में आया है कि कंप्लीट नंबर जो है उसमें से एक छोटे नंबर को, जिसके साथ जिन भी दो का कॉम्बिनेशन दिया गया है उसका क्या किया गया है, उनमें सब्ट्रैक्शन किया गया है। अब यहाँ पर तो ये कितना था, आसान सा था, बिल्कुल आसान सा था, सब्ट्रैक्शन था, देखते पता चल रहा था। इसके अलावा और क्या हो सकता था, देखो हम लोग वो भी देखते हैं, इसके अलावा और क्या क्या बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है 9, 8, 5, 2, 1, अगर मान लो और साथ में कुछ छोड़ दिया गया है 1, 5, 4, 3, 5, 6 ऐसा दिया गया है, ये इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पांच डिजिट्स का है, ये भी अब हो गया पांच डिजिट्स का। तो अब क्या क्या ऑपरेशन, एक तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का, एक प्लस का हो गया, इतने बड़े बड़े में मल्टीप्लिकेशन का, देखो पूरे नंबर को तो मल्टीप्लिकेशन पूरे नंबर का यानी कि कंप्लीट नंबर 9, 8, 5, 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, 5, 4, 3, 5 के साथ तो ये तो बिल्कुल नहीं बनता है, ऐसा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि 1 और 5 इन दोनों को ऐड किया गया हो, 1 और 5 को ऐड किया गया हो, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट, यानी कि जो बड़ा नंबर हो, यानी कि ये कौन सा है, ये लास्ट डिजिट है, ये हुआ आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिजिट, ठीक है। तो पॉसिबल चीज़ें क्या क्या हो सकती है, मैं वो बता रही हूँ कि वो फिफ्थ डिजिट्स को ऐड करें, फोर्थ को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, फिर थर्ड डिजिट्स जो हों दोनों के उनको ऐड करें, सेकेंड डिजिट जो हों उनको सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें सब, यानी कि अल्टरनेटिव अल्टरनेट क्या चल सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये चल सकते हैं, या फिर और क्या चल सकता है कि जो भी बड़े नंबर्स हैं, जैसे कि 9 यहाँ पर है तो 9 से 1 छोटा है तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 और 5 में से जो ये यूनिट डिजिट है 1 और 5, इसमें से 5 बड़ा है तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि जो भी दोनों नंबर्स में से जो भी डिजिट, यानी कि अगर हम फर्स्ट डिजिट को मिलाकर चलेंगे, इसका फर्स्ट डिजिट है मान लो 8, इसका फर्स्ट डिजिट है 5, इसका सेकंड डिजिट जो है वो है 4 और इसका जो है वो है 6, तो ये भी हो सकता है कि 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया हो 6 में से 4 को, यानी कि जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से कितने भी ऑपरेशंस लग सकते हैं, आपको अपने दिमाग को बिल्कुल अच्छे से खोल कर रखना है। तो हमें समझ में आ गया स्टेप थ्री में क्या किया गया है, पूरे पूरे नंबर में से सब्ट्रैक्शन किया गया है, तो ये हो गया। अब आगे बात आती है स्टेप फोर की, हमने चलना है स्टेप थ्री से स्टेप फोर की तरफ, क्या किया गया है उसे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, स्टेप थ्री से स्टेप फोर क्या किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये तीन नंबर्स थे हमारे पास स्टेप थ्री में, और स्टेप फोर में भी कितने नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, तो यानी कि पॉसिबल है कि ये जो नंबर है इसी में कोई ऑपरेशन लगाया तो ये आया, इसमें कोई ऑपरेशन लगाया गया तो ये आया, इसमें कोई ऑपरेशन लगाया गया तो ये आया, ये हो सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि इसके स्टार्टिंग के दो, इसके स्टार्टिंग के दो, इसके स्टार्टिंग के दो, डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना वो 5 हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है हमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 6 दी जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर इस तरह से जो तीन नंबर्स होंगे ना, जैसे कि ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, तो इसके स्टार्टिंग के दो डिजिट्स, इसके स्टार्टिंग के दो डिजिट्स, इसके स्टार्टिंग के दो डिजिट्स, इनको कंबाइन करके भी हो सकता था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब देखते हैं कि यहां पर क्या लगाया गया है। विद इन नंबर पहले चेक करते हैं, ठीक है। विद इन नंबर 2, 3 और 9 यहां पर है 15, 2 + 3 + 9 ये तो नहीं है, 2 + 3 = 5, 5 + 9 होता है 14, ठीक है। तो मान लो कि अगर इन्होंने जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके प्लस 1 किया गया हो, सोच सकते हैं हम लोग, पर
अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो 3+1 4+1 5 होना चाहिए, अगर ऐसा है तो, यानी कि ये तो गलत है, ये तो नहीं लगता है यहाँ पर। तो अब इसके अलावा क्या लगता है? अब यहाँ पर ना एक आसान सी चीज़ है जिससे आप ये पहचान सकते हो, यहाँ पर 3001 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर 01 अकेला, यहाँ पर 01, तो क्या हो सकता है? ये 1 यानी कि प्लस 1 या कुछ ना कुछ, तो प्लस 1 से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि है ही अकेला 1, और बाकी सारे इसमें है भी ज़्यादातर क्या 0, तो इसका क्या हो सकता है? ये जो 3001 दिया गया है इससे क्या निकला? 01 निकला, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि 3 × 0+1 किया गया हो, 3 × 0+1, अब ये नहीं पता क्योंकि 0 सेकेंड डिजिट भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, तो ये 3 × 0 कौन सा किया गया है हम लोग सोच रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कंफर्म करते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ से देखो 44090 ये है आपके सामने, यहाँ से आया 25। हमने क्या किया, ये जो लास्ट डिजिट था ना इसका, ये तो हमने किया था ऐड, और मल्टीप्लाई किसको किया गया, फर्स्ट को किसके साथ किया गया वो नहीं समझ में आया। तो यहाँ से देखो क्या हो सकता है, हमने ऐड किसको करना है, और ये ऐसा देखो ऐसा हो सकता है, अगर हम इसको देखें 4 × 4 क्या होता है 16, और ये 9 है, तो 16+9 से 25 आता है, इसमें हमें ये समझ में आया। और यहाँ से देखो 23090 में 15 चाहिए, तो 3 × 2 = 6, 2 × 3 2 × 3 करेंगे, प्लस का 9 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये सही तो हो गया, पर ये क्या लॉजिक बना, अब हमें ये देखना है लॉजिक क्या बना। लॉजिक ये बना है कि 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई किया गया है सेकंड डिजिट से, और बाकी के जितने भी डिजिट्स बचते हैं ना उन सभी को ऐड किया गया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी ये डिजिट्स बचते हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन सभी को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये था ना 44090, फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई, और बाकी के जितने भी हैं +0+9+0 ये किया गया है, ठीक है, तभी तो आया 4 × 4 = 16+9 = 25। सिमिलरली यहाँ पर क्या किया गया है, 23090 में फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया गया है और बाकी सभी को 0+9+0 क्या बन गया, ये 15 बन गया। तो हमें स्टेप 4 का क्या समझ में आया है, देखो स्टेप 4 में क्या समझ में आया है, स्टेप 4 का जो लॉजिक है वो ये है, फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया है और बाकी के पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के जितने भी डिजिट्स बचते हैं ना, रेस्ट डिजिट्स जितने भी बचते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4। अब स्टेप 4 से हमने जाना है स्टेप 5 की तरफ। अब स्टेप 5 की तरफ जाना है तो क्या हो सकता है, देखो हमें क्या मिला है 15 01 25, और स्टेप 5 में मिला क्या है 5 और 51। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, दो तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये है, देखो ये मिला है आपको, या तो इन सभी का फर्स्ट डिजिट देखो 1 0 और 2, 1+0+2 ये तो होता है 3, तो यहाँ पर तो 5 है, यानी कि ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है, ये नहीं किया गया है। या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड और ये जो डिजिट है यानी कि 15 और 0 इनका कुछ कॉम्बिनेशन किया गया हो, इनका कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या होगा, 1 × 5 प्लस का 0 एक ये हो सकता है, ठीक है, 1 × 5 ये क्या किया गया है, देखो मैंने क्या किया, 1 × 5 प्लस का 0 इसका ये वाला, ये पूरा और इसका ये लिया गया है, तो यानी कि अब इसमें भी यही होना चाहिए, इसमें भी यही होना चाहिए, जो अब बाकी के बचते हैं उसमें क्या करेंगे, जो पहले के दो होंगे 1 × 2 प्लस का 5, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर है हमारे पास 51, 1 × 2 2+5 यानी कि 7 होना चाहिए, तो ये तो गलत है, यानी कि जो हम सोच रहे हैं कि अगर हम इसको कंसिडर करें किस तरीके से, 1 2 3 और ये अलग, यानी कि ये 3 नंबर्स और ये 3 नंबर्स हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो तो है गलत, यानी कि अब और क्या लग सकता है कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट कुछ हो। हमने सिंपली ऐड करके देख लिया 1+0+2 वो नहीं है, हमने इन 3 नंबर्स का 150 ले लिया, 125 इनका भी कॉम्बिनेशन करके देख लिया। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर्स लेकर देखते हैं,
वन का स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, क्या किया है, ये जो तीनों नंबर्स हैं इनका फर्स्ट फर्स्ट डिजिट उठाया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या आया, वन प्लस फोर फाइव आया। कंफर्म करते हैं, नेक्स्ट है सेकंड डिजिट है फाइव, वन एंड फाइव, फाइव स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, वन का स्क्वायर वन, तो क्या हो गया, फिफ्टी वन हो गया, यानी कि सही है जो हम सोच रहे हैं, यानी कि स्क्वायर्स का एडिशन है, स्क्वायर्स का एडिशन है किस में, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा स्टेप है ये, स्टेप फिफ्थ का जो लॉजिक है वो है स्क्वायर्स का एडिशन किसका, हर एक डिजिट का, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, तो इस तरह से हमारा बना 5 और 51। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट स्टेप है आपका ये, कितना ईजी है, सबसे आसान है, 51 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये आ जाएगा 255। तो अब ये जितने भी लॉजिक्स थे, जितने भी हर एक स्टेप में जो जो लॉजिक लगता था, जो भी ऑपरेशंस लगते थे, वो क्या करना था आपको, करना था नोट, और जो भी आपको इनपुट दिया जाएगा उसमें आपको वो लगाना होगा, ठीक है। आज के सेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये लॉजिक बताया है, मैंने एक और इनपुट नहीं लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि सबसे देखो, अगर आप एक बार ये समझ गए ना, अगर एक बार आप ये समझ गए कि हर एक के पीछे का, हर एक स्टेप के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या ऑपरेशंस लग रहे हैं, कुछ इंटरचेंज हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या हो रहा है, अगर ये समझ गए ना, तो उसके बाद अगर आपको इनपुट कोई भी दे, उसको तो आप झट से सॉल्व कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इनके पीछे का लॉजिक ढूंढना, जो कि आई रियली होप कि आज के सेशन में मैंने जो ये क्वेश्चन कराया है आप सभी को समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।